एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कान्हा एंड फ्लेवर्स। तो आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी, खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी। तो जिसके लिए हमने 2 घंटे पहले एक कटोरी साबूदाने को धुल के उसका स्टार्च बढ़िया से निकाल के और उसके बाद हमने सोक करने के लिए छोड़ दिया था। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से सोक हो चुका है साबूदाना। तो और इसके लिए जो सामग्री हमने ली है वो 1-2-3 आलू बॉयल कर लिए हमने छोटे छोटे, ये मूंगफली दाने थोड़े से हैं आधा कटोरी, आधा नींबू है, 2 हरी मिर्च है, थोड़ा सा हरा धनिया, कड़ी पत्ता और ये आधा कटोरी के बराबर हमने मूंगफली दाने को क्रश कर लिया है, इसको भी हमको डालना है। इसी से हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बहुत ही खिली खिली बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल में साबूदाने को डाल देंगे और अब हम रोस्टेड पीनट्स को डाल देंगे पीसे हुए, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। इसी में हम हरा धनिया डाल देंगे और अब इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा साबूदाना मिक्स हो चुका है। कढ़ाई को गरम करके उसमें हम 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए तो उसमें हम हरा मिर्च डाल देंगे, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा जीरा और मिर्च हमारा भून चुका है तो अभी इसी स्टेज पे ये आलू कटे हुए डाल देंगे बॉईल किए हुए और 1/4 चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से खिचड़ी बनाने से एक तो खिचड़ी खिली खिली रहेगी और थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा व्रत में। और अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दें। अगर सेंधा नमक ना खाते हो तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। आँच को इस स्टेज पर धीमा ही रखें। और अब हम इसमें मूंगफली दाने भी डाल देंगे। और अब हम इसको 1 मिनट तक ढक के पका लेंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको, बस 1 मिनट पकाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं खिचड़ी हमारी रेडी हुई कि नहीं। तो ये हमारी खिचड़ी परफेक्टली रेडी हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये बहुत ही क्विकली बनने वाली हेल्दी खिचड़ी आप इस तरह भी खा सकते हैं बिना व्रत के भी। बस सेंधा नमक के बजाय आप सादा नमक डाल के और इसको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। थोड़ा सा और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा नींबू के रस से। और अब हम मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह आप लोग भी व्रत में ये खिचड़ी बनाइए और इन्जॉय करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फ्रेंड्स।